हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज प्रोबेबिलिटी की चला रखा है, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आज हम फोर्थ लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे हम कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इफ द सक्सीडिंग इवेंट्स बिकम्स डिपेंड ऑन प्रीवियस इवेंट और इवेंट्स, देन द सच केसेस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यदि कोई घटना अपने पिछले घटना या पिछले घटनाओं पर निर्भर होती है तो ऐसी घटनाओं को, ऐसे इवेंट्स को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। लेट ए एंड बी, हमने मान लिया ए और बी दो इवेंट हैं, ठीक है, और ये आपस में डिपेंडेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि दो घटनाएं हैं तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। बी अपॉन ए मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी की निकालना है प्रोबेबिलिटी, जबकि ए क्या हो गया है, ऑकर हो चुका है। इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए वेयर ए इज ऑलरेडी ऑकरेंस। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसी को कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हो, देखो बी हो चुका है, ए बाद में इवेंट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, या इसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, बी ऑलरेडी ऑकरेंस, या इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट, वैसा जो इसका बेसिक थ्योरम होता है, कुछ कुछ बुक में आपको ये दिख जाएगा, आपके सामने कुछ बुक में कंडीशनल थ्योरम दिखेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम पी ऑफ ई आई, ई आई इज द एनी इवेंट अपॉन ए, ए भी एक इवेंट है, इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ऑफ ए, वेयर आई इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश डैश एन कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर हम इसके प्लेस पर आई की प्लेस पर 1 लिखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई वन अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आई की प्लेस पर 2 ले लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगर आई मतलब कि ई आई के प्लेस पर बी ले लें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमने इसी फार्मूले को यूज़ किया है, कुछ कुछ बुक में आपको ये फार्मूला दिख जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो हमने देखो इसी को फार्मूले की यूज़ किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 3 इवेंट्स हैं तो हो जाएगा स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इवेंट पहले ऑकर हो रहा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ए ऑलरेडी बी से पहले ऑकर हो चुका है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी, सी इवेंट होने से पहले ए बी ऑकर हो चुका है, या इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी। ठीक है, अपॉन का मतलब होता है कि वो इवेंट उस मतलब बी इवेंट के होने से पहले ऑकर हो चुका है।
ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कंडीशनल थ्योरम क्या होता है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट, इफ थ्री कार्ड्स आर ड्रॉ वन बाय वन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा जहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए वहाँ पे कंडीशनल थ्योरी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज होता है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कार्ड्स आर जैक, एक प्लेइंग कार्ड का पैक है उसमें से हमने तीन कार्ड वन बाय वन निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया मतलब उसमें वापस नहीं रखा, तो हमें तीन के तीनों कार्ड जैक मतलब के हो मतलब कि गुलाम का हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, जब हम पहली बार कार्ड को प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रा करने जा रहे हैं तो एन ऑफ एस क्या होगा 52, तो एन ऑफ जैक वन मतलब फर्स्ट टाइम जैक आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ जे वन मतलब फर्स्ट टाइम जब हम जैक कार्ड को निकाल रहे हैं तो कितने होंगे उस समय कार्ड में 4, तो प्रोबेबिलिटी अब जे वन हो जाएगा एन ऑफ जे वन अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ जे वन मतलब जैक होते हैं एक कार्ड में 4 अपॉन एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस 52 होता है। तो हमारा या इसे कह सकते हैं आप पी ऑफ ए मतलब फर्स्ट इवेंट इक्वल टू 4 अपॉन 52। अब सेकेंड टाइम हम उस कार्ड को उस प्लेइंग कार्ड में वापस नहीं रखा और हम दोबारा फिर एक कार्ड निकालने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा स्टूडेंट, जब हमारे पास 52 था एक निकाल के उसे रिप्लेस नहीं करा तो 51 बचा, एंड नंबर ऑफ जे मतलब जैक कितना बचेंगे 3 बचेंगे क्योंकि एक निकल चुका है, तो पी ऑफ जे टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 51, या इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्योंकि फर्स्ट टाइम हम एक कार्ड निकाल चुके हैं ए इवेंट आकर हो चुका है तो 3 अपॉन 51 आ गया। अब थर्ड टाइम, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास हम दो कार्ड निकाल चुके हैं उसे वापस हमने कार्ड मतलब पैक ऑफ कार्ड में नहीं डाला तो टोटल कार्ड हमारे पास 50 बच रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 50 और जैक दो जैक निकल चुका है तो कितने बचे 4 होते हैं 2 बचे हैं, एन ऑफ जे थ्री हो जाएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे थ्री हो जाएगा 2 अपॉन 52, या इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी क्योंकि हम दो इवेंट ऑकर हो चुके हैं वो हो गया 2 अपॉन 52। इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट कंडीशनल थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है, किसका अप्लाई क्या करेंगे कंडीशनल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी, तो पी ऑफ ए आया था 4 अपॉन 52 और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए आया था 3 अपॉन 51, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी आया था 2 अपॉन 50। इसे कट करेंगे स्टूडेंट तो 4 से कट करेंगे 4 1 जा 4 4 13 जा 52, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3 3 7 17 जा 51, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 25। तो हमारा आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 17 इंटू 1 अपॉन 25, तो न्यूमरेटर का आपस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, डिनोमिनेटर का करेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू आ जाएगा 52 5 2 2 5, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में करना हो, ये तो हमारा जो है ये आपका कंडीशनल थ्योरम के अकॉर्डिंग लॉन्ग मेथड हुआ, अगर हमें शॉर्ट मेथड से यही क्वेश्चन करना हो स्टूडेंट तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक निकालना है, देखो एक कार्ड एक प्लेइंग कार्ड में हमने तीन कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जब पहली बार हम कार्ड निकालेंगे तो टोटल जैक था 4 और टोटल सैंपल ऑफ स्पेस था 52, तो 4 अपॉन 52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने उस कार्ड को वापस नहीं रखा तो हमारे पास उस पैक ऑफ कार्ड में कितने बचे 51 कार्ड बचे, जैक कितना बचा 3, तो जब दूसरी बार हम ड्रा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जैक बचेगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस कार्ड को हमने दोबारा फिर नहीं रखा तो हमारे पास कार्ड टोटल बचे 50 और जैक कितना बचा उस प्लेइंग कार्ड के पैक में 2, तो थर्ड टाइम जब हम एक कार्ड निकालेंगे तो जैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 अपॉन 50, इसे कट करेंगे 4 से कट करोगे 4 1 जा 4 4 13 जा 52 3 1 जा 3 3 17 जा 51 2 1 जा 2 2 से कट करेंगे 50 को 25 आ जाएगा 1 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 17 इंटू 1 अपॉन 25, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 अपॉन 5 2 2 5, ये आ जाएगा आंसर। ये शॉर्टकट है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर कंपटीटिव एग्ज़ाम में आप दे रहे हैं तो इस मेथड का यूज़ करिए, और अगर कोई ट्रेडिशनल कोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि
कैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं. प्रॉब्लम नंबर टू, लेट ए एंड बी एनी टू इवेंट्स सच दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 है. देन फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो फर्स्ट हम सोल्यूशन की बात करेंगे. वी नो दैट बाई कंडीशनल थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 दिया है, तो 1/4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 1/3, तो 1/3 हो जाएगा. तो जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन अपोजिट होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, दिया जाएगा 1/3 = 3, 4/1 = 4, 3/4, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू आ गया. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड हमें फाइंड करना, वी हैव नो दैट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है -1/4. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा. 12 में 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आया, 6 लिख दिया, बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया. 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 लिख दिया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा. तो 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, 7/12 भी आ जाएगा फाइनल आंसर. ठीक है स्टूडेंट. अब आपके सामने स्टूडेंट होमवर्क दिख रहा होगा, प्रॉब्लम नंबर 2-3, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसका आंसर को सॉल्व करिएगा और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा. ठीक है स्टूडेंट. तो आज हमने प्रोबेबिलिटी के 4th लेक्चर में बात किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट क्या होता है और उसे कब यूज़ करते हैं, और हमने 2 क्वेश्चन लेकर के अच्छे से सॉल्व किया और एक होमवर्क दिया जिसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है. तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट. आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलता है और अच्छा करने का. तो आशा करते हैं कि आप हमें कमेंट करके अपने व्यूज़, अपने मोटिवेशन, अपने जो है आंसर्स ज़रूर देंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.